चलो बेटा कंटिन्यू करते एलिप्स को। एलिप्स के हमने लास्ट टाइम सारी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलास पढ़ लिए थे, याद ही होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10, 14 और 16 की। 10, नीच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स। इक्वेशन निकालनी है। 10 क्या है? वर्टिसेस दे रखे बेटा। जब ये वर्टेक्स होगा तो वर्टेक्स कौन से एक्सिस का होगा, याद ही होगा। वर्टेक्स कौन से एक्सिस का होता है? मेजर एक्सिस का। आओ एक बार टेबल देख लो। जब आपको सिर्फ वर्टिसेस बोले, इसका मतलब कौन से वर्टेक्स की बात करेगा? मेजर एक्सिस। यहां तक क्लियर? वापसी आते हैं। तो वर्टेक्स आपके पास मेजर एक्सिस का। अच्छा कौन सा वाला एलिप्स हुआ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यानी ए है आपके पास 5। इक्वेशन क्या होती है पहले ये बताओ, हॉरिजॉन्टल की एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहां तक क्लियर हो गई। फोकाई, फोकाई यानी सी, सी क्या है? 4 है। अब कुछ मिसिंग है बेटा, बी मिसिंग है। बी कैसे निकलेगा? शाबाश, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। सी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ए कितना है 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ जाएगा आपका 9, तो बी आ जाएगा आपका 3। क्लियर? ओके नाउ इक्वेशन क्या हो गया आपकी बोलो, एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। 14, 2 मिनट्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आओ बेटा क्या है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के एंड दे रखे हैं क्या? 0 प्लस माइनस रूट 5। इस बार यानी एक्सिस कौन सा वाला हुआ? अगर आपका मेजर एक्सिस इस तरह, यानी लंबा वाला एक्सिस यहां पर है, वर्टिकल। पॉइंट क्लियर? वर्टिकल क्यों हुआ? देखो बेटा, बेटा आपका मेजर, मेजर यानी लंबा वाला कौन से एक्सिस पर है? ये 0 प्लस माइनस रूट 5 किस पर है? वाई एक्सिस पर है, राइट। तो ए कितना हो गया आपका रूट 5। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर ऑटोमेटिकली किस पे आएगा? एक्स पे, यस और नो? बी कितना हो गया आपका 1। इक्वेशन में क्या दिक्कत? अब तो इक्वेशन इजी है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू 1। चाहो तो एलसीएम लो, सॉल्व करो, ऐसे रहने दो। क्लियर है? ओके 16, अगेन 1 मिनट यू हैव। आओ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 है बेटा। माइनर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2b, 2b इज इक्वल्स टू 16, तो b कितना आया 8। फोकाई, फोकाई दे रखा है, फोकाई सी, सी कितना हो गया 6। लगा दो फॉर्मूला, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा आपका 100 आ रहा होगा, यानी ए आ जाएगा आपका 10। मेरे को ए की जरूरत ही क्या है, इक्वेशन निकालनी है ना। इक्वेशन में तो वैसे ही वो चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब मेरा एक सवाल है, ए क्या और बी क्या, ए कहाँ पर बी कहाँ पर? अब ये बताओ, बी इधर ए इधर, सर आपको कैसे पता लगा? बेटा फोकाए, फोकाए यानी मेन वाला किधर है? वाई एक्सिस पर है, इस तरह है ना शेप हमारी, फोका यहाँ पर है। एक्स स्क्वायर बाय 64 प्लस वाई स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करो राइट नाउ। आओ बेटा क्वेश्चन 19, मार्केट इज इंपॉर्टेंट। सेंटर एट ओरिजिन, मेजर एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस। बेटा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, यानी कौन सा वाला हो गया आपका? ये वर्टिकल वाला। पहले तो यहां पर कॉमन एरर होता है, जब मेजर एक्सिस आपका यहां पर हो गया इसका मतलब वर्टिकल एलिप्स। पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, यानी पास हो रहा है ए और बी से। ए है 3, 2, बी है 1, 6।
तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन क्या बनती है ये बताओ, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, राइट। अब मेरे को निकालना क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरे को निकालना है ए और बी या ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल जाए। कैसे, मेरे को पता है क्योंकि एलिप्स बिकॉज इट पासिस थ्रू ये पास कर रहा है किससे बेटा, ए और बी से। तो यानी ये इक्वेशन ये पॉइंट्स क्या करेंगे इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई, यानी ये मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट ए 3,2 इन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी क्या बना 9 बाय ए स्क्वायर प्लस 9 बाय बी स्क्वायर प्लस 4 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर, अब सॉल्व, अभी इसका स्पेस छोड़ रहा हूँ जान पूछ के। अगेन अब मैं पुट कर दूंगा क्या, बी बी क्या है मेरा 1,6 1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी बना 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व कैसे करूं बेटा, सवाल ये आता है। वैसे तो एक्चुअली क्लास 10th का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपके सिलेबस से हट गया है, पर वैसे इसका तरीका क्या, आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, अगेन एलसीएम लोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, राइट। और फायदा, मेरे पास एक बेटर ऑप्शन भी है, पूछो क्या, थोड़ा और इजी, सब्स्टिट्यूशन से भी करा सकता हूँ, पूछो कैसे, देखो बताता हूँ। 1 बाय बी स्क्वायर से वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी 1 माइनस 36 बाय ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ डाल दो इजीली, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, एलसीएम में देखो आएगा ही आएगा। वरना दूसरा तरीका क्या है, इसका क्या होता है, पॉइंट होता था कि लेट कर लेते हम 1 बाय बी स्क्वायर को यू, ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा, आपके सिलेबस से डिलीट हो गया था लास्ट ईयर, तो मैं आपको ई सब्स्टिट्यूशन सिखा देता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, ये तो कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 माइनस 36 बाय ए स्क्वायर प्लस 4 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करो 9 माइनस 9 माइनस 36 इंटू 9 मेरा 360 में से 36 गए 324 324 बाय ए स्क्वायर 4 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 9 ये कितना हो गया मेरा 320 बाय ए स्क्वायर, ठीक है इसे इधर कर दो, कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 320 बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मेरा हो गया 40। बोलो पहला पॉइंट क्लियर, यस और नो, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा ए स्क्वायर की वैल्यू किसमें, इसमें पुट ए स्क्वायर, एक बार कंफर्म कर लो कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रहा हमारा, 9 माइनस इसे इधर करा इसे इधर करा 1 माइनस 36 का स्क्वायर 40 आ रहे हैं, सही जा रहे हैं नहीं हम, ठीक है तो पुट कर दो ए स्क्वायर 40 इन सेकेंड, यहाँ डाल देते हैं क्या हो जाएगा मेरा 1 बाय बी स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर 1 माइनस 36 बाय 40 1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाय 40 दैट इज 1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 10 तो बी स्क्वायर की वैल्यू 10। आप में से कुछ बच्चे सोच होंगे सर आपने बी की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, बी स्क्वायर क्यों निकाला, राइट क्योंकि हमारे को इक्वेशन में क्या है बेसिकली ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए बी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सीधा ए स्क्वायर बी स्क्वायर रख देंगे। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी फाइनली मेरी एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी 10 प्लस वाई स्क्वायर बाय 40 इज इक्वल टू 1, चेक इट आउट पीछे आंसर किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में कंप्लीट एक्सरसाइज नोट डाउन प्लीज़।